हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और अब चल रहे हैं नवरात्रे। तो जो नवरात्रे करते हैं वो फर्स्ट करते हैं हैप्पी नवरात्रे सबको। और आज मेरा प्रायण है क्योंकि कल मेरा व्रत था, तो आज प्रायण। तो देखिए चेष्टा बाबू सो रहा है, बाबा जी सो रहे हैं, फिर मैं नहाने चली जाती हूँ और नहा कराती हूँ तो मेरे को प्यारे से सूर्य देवता दिख जाते हैं। उनके वो मतलब उनकी पिक ले ली और उसके बाद में मेरी पूजा पाठ में मंदिर में करने लग जाती हूँ। फिर मैं करती हूँ मेरी तुलसी मैया और सूर्य देवता की पूजा करती हूँ और ये पूजा मैं डेली करती हूँ। और फिर यहाँ पर है मेरे इष्ट देवता मतलब शिवलिंग जी, और उनको मतलब मैं कितना मानती हूँ मतलब इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये रहे सूर्य देवता, सूर्य देवता के साथ में मैं मेरी पिक लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सूर्य देवता का तेज इतना तेज है कि मतलब नहीं आ पा रहा था। फिर कौवा आ जाता, कौवे के साथ में ले ली। देखिए कौवे के साथ में भी कितनी तेज, क्योंकि वो बहुत ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके साथ में सही सही आ गई थी। फिर जितने भी रात के बर्तन थे सारे के सारे मैं जचा देती हूँ और चाय को गैस के ऊपर रख रखा है, और फिर मैं पहली बार की चाय पी लूँगी। और मतलब चाय बन रही है तब तक क्या उसको मीडियम गैस के ऊपर कर रखा है, और मैंने जितने भी रात के बर्तन थे सारे सेट कर दिए। इतने सारे कपड़े मशीन में धो लिए, मतलब ये आधे हैं बाकी हैं बाहर। हाँ ये है कि कपड़े धो दिए थे, मतलब कब के, मतलब सोमवार को धोए थे, उसके बाद में अब धोए क्योंकि मंगलवार को मैं कपड़े नहीं धोती, बृहस्पतिवार को नहीं धोती और बुधवार को इस बार अमावस थी, तो मतलब 3 दिन के हो गए। चलो कोई बात नहीं, कपड़े धुप चुके हैं और मशीन में धोए हैं। और ये प्यारी सी तितली, मैं झाड़ू लगा रही थी तब मतलब वो मेरे को दिख गई थी, और फिर उसके साथ में मैंने मतलब फोटो बना ली। और फिर ये देखी मेरा चेष्टा बाबू खड़ा हो गया, मैंने पोछा कंप्लीट कर दिया। लाडू जी कहता है कि मम्मा जी मैं भी लेऊंगा। और आपको रियलिटी बताती हूँ, बेचारा ये मर चुकी है, मतलब ये डस्ट के अंदर आई थी, तो उसको मैंने तुलसी मैया का जो पौधा है उसके अंदर डाल दिया था। तो चेष्टा बाबू खड़ी हुई, तो चेष्टा बाबू को मैंने बता दिया बाबू जी छोटी सी तितली है, बहुत प्यारी सी है, लेकिन वो मर चुकी है, तो चेष्टा बाबू उसको देख लेती है। हाँ ये है कि जिंदा होती तो चेष्टा बाबू उसको हाथ नहीं लगा पाती, क्योंकि एक तो वो बहुत तेज़ी से उड़ जाती है और दूसरी क्या है मतलब बहुत नाजुक होती है, तो किसी भी जीव को मैं मतलब उसको हार्म नहीं करना चाहते हो, नहीं मैंने इसको मारा, मतलब ये मरी हुई मिली थी। तो और ये देखिए फिर चल देते हैं हम अपने घर की तरफ में। कोई मतलब प्लान नहीं था कि हमें आना है आज, लेकिन एकदम से प्लान बन जाता है, फिर चल देते हैं हम अपने घर की तरफ में। मतलब कितने दिन, मैं काफ़ी दिन मेरी बुआ के घर पर रही और अब मेरा आज मेरे घर की तरफ में रवानगी हो गई। और ये देखिए मैं और मेरा चेष्टा बबू, हाँ गुन्नू पहले जा चुकी है, अब जा रहे हैं दोनों के दोनों माँ बेटी। और मौसम देखिए एकदम से चेंज, जैसे कि मैं आई थी उस दिन तो बहुत ही तेज़ बारिश थी, मतलब पूरे वे भीगते हुए आए थे, लेकिन अब जा रहे थे तो फिर बादल आ जाते हैं और फिर आ जाती है थोड़ी 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 बारिश, ज़्यादा तेज़ नहीं आती है। फिर हम पहुँच जाते हैं घर पर, बना लेते हैं पहली बार की, मतलब यहाँ पर आने के बाद में पहली बार की चाय। अब बाबा जी को दे देती हूँ, चीमों को दूध दे देती हूँ और मटर के साथ में चाय पी लेते हैं। ये मेरी बुआ जी ने बिच्छू बट्टी दी थी, सो सारी की सारी गमले में सेट कर दी है। रात को देखिए मतलब दिन छिपता है तो बहुत ज़्यादा मतलब बिजली चमकना बोलते हैं हम तो हरियाणवी भाषा में, अब मतलब लिखे भी बिजली चमकना ही जाता, मतलब पढ़ते हैं तब तो बिजली चमकना ही लिखा जाता है। वो मेरे को अच्छे लगे, मैंने आपको दिखा दिए। गुनू ने बनाई मैगी, चेष्टा बाबू ने और गुनू ने खाई मैगी, बाबा जी की कर दी ज्योत, जय पितर देवा। और चीमू को ढूंढ रही है चेष्टा बाबू, चीमू चीमू करके चीमू बैठा हुआ है, देखिए कहाँ के ऊपर ऊपर बैठा हुआ बंदा। कोई बात नहीं, फिर प्यारी सी आ जाती छोटी सी प्यारी सी गऊ माता, और फिर मैं इसको दे देती हूँ रोटी। गुनू उसको हाथ लगा देती है, लेकिन डर डर के लगा रही है, वो भी डर रही है ये भी डर रही है। चेष्टा बाबू दूर खड़े होकर देख रहा है, ये रात का खाना है, ओके बाय।